आज सोशल मीडिया के युग में कब किसी के सितारे चमक जाए और कब कौन वायरल हो जाए, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। आए दिन आप सोशल मीडिया पे किसी न किसी को वायरल होता हुआ तो देखते ही होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 लोगों से मिलाने वाला हूँ जो सिर्फ एक गाना गाकर रातों रात वायरल हो गए। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, वीडियो में एंड तक बने रहेगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जान लीजिए, मेरा नाम है विकास और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। नंबर 5, भुवन भाट्याकर। कच्चा बादाम से वायरल हुए इस अंकल को तो आप जानते ही होंगे। भुवन एक गरीब मूंगफली बेचने वाले थे जो गांव-गांव जाकर पुराने सामान के बदले मूंगफली बेचा करते थे। लेकिन मूंगफली बेचते वक्त वो एक गाना गाया करते थे जो लोगों को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता था। बादाम बादाम है दादा का चाहा बादाम, एक लड़के ने उनको गाता हुआ देखकर उनको कैमरे में कैद कर लिया और उस वीडियो को सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया। वो वीडियो रातों रात वायरल हो गई। लोगों ने इनको और इनके गाने को बहुत ज्यादा पसंद किया। बहुत लोगों ने इस पे रील्स वीडियो भी बनाए। कुछ टाइम तक ये लाइमलाइट में रहे, लेकिन आज ये वही है जहाँ पर ये पहले थे और आज भी गाँव में घूम घूम कर मूंगफली बेचा करते हैं। नंबर 4, फरमानी नाज। फरमानी नाज आज सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही हैं, क्योंकि इन्होंने मुस्लिम होकर हिंदू भजन हर हर शंभू गा दिया। जहां लोगों को इनका ये गाना ना गवारा हुआ, वहीं कई लोगों ने इन पे फतवा भी जारी कर दिया और कहा कि तुमने इस्लाम का अपमान किया है, जिसका न्यूज चैनलों ने काफी मसाला बनाया। लेकिन फरमानी ने भी कह दिया कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मेरा काम मेरी कला है और मुझे हर धर्म के लोग सुनते हैं, तो मैं किसी एक धर्म के लिए कैसे गा सकती हूँ। और इस बात के लिए कई लोगों ने इनका सपोर्ट भी किया। नंबर 3, यशराज मुखोटे। यशराज मुखोटे ने साथ निभाना साथिया के डायलॉग पर एक फनी रैप बनाया जो सबकी जुबान पे ही चढ़ गया। कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी, तुम चने कुकर में चढ़ाकर। ये इतना ज्यादा वायरल हो गया कि इस पे बड़े बड़े सेलिब्रिटी लिपसिंग वीडियो बनाते हुए नजर आए, साथ ही लोगों ने भी इस पे खूब वीडियो बनाए और आज भी इनके फनी रैप रातों रात वायरल हो जाते हैं, जिसकी वजह से आज इनके सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा फॉलोवर्स हैं। यूट्यूब पर जहां इनके 5.03 मिलियन सब्सक्राइब हैं, वहीं इंस्टाग्राम पे 2.3 मिलियन फॉलोवर्स हैं। नंबर 2, रानू मंडल। रानू मंडल 2019 में एक प्यार का नगमा गाते हुए बहुत तेजी से वायरल हुई। रानू मंडल एक लाचार महिला थी जिनकी ताकत इनकी आवाज बनी। रानू मंडल कई सालों तक रेलवे स्टेशन के कोने में बैठ के गाने गाया करती थी, लेकिन एक दिन इनकी किस्मत बदली। एक लड़के अतेंद्र ने इनको गाना गाते हुए देखा और इनका वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया। ये रातों रात वायरल हो गई, साथ ही इन्हें कई रियलिटी शो में जाने का मौका मिला। इसके साथ ही इन्हें हिमेश रेशमिया के साथ गाने का मौका मिला, लेकिन इन सब चीजों को इन्होंने अपने एटीट्यूड की वजह से खराब कर दिया। ये पब्लिक प्लेस में फैंस के साथ बदतमीजी करती हुई नजर आई और आज इनकी हालत बद से बदतर हो चुकी है। नंबर 1, अभिलिष्पा पांडा। हर हर शंभू भजन से अभिलिष्पा आज बहुत तेज। के अंदर इस सॉन्ग पे 85 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। ये भजन देश में ही नहीं विदेश में भी बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। उसका कारण है अभिलिष्पा की आवाज। इनकी आवाज कानों में मधुरता घोल जाती है। अगर ये भजन आपने सुना है तो आप अच्छे से जानते होंगे। ये इस टाइम 21 साल की है और ये उड़ीसा से बिलोंग करती है। तो चलिए, ये वो 5 लोग थे जो एक गाने से बहुत तेजी से वायरल हो गए। एक गाने ने इनकी किस्मत बदल कर रख दी। आपका इन लोगों में से कौन फेवरेट है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशा करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को कर दीजिएगा एक लाइक और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिएगा। और आपने वीडियो देख ली है यहाँ तक और नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो क्या कर रहे हो, जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो लाते रहते हैं। ऐसी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। बाकी हमारी मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में।